मित्रों, आज जैसा हम सब जानते हैं कि ये राजा के काउंसिल ने, वकील ने कोर्ट में ये कहा कि द प्राइम मिनिस्टर एंड द देन फाइनेंस मिनिस्टर एंड नाउ द होम मिनिस्टर पी चिदंबरम दोनों को विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहिए और अंडर सेक्शन 311 उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि जो भी फैसले हुए वो सभी फैसले प्रधानमंत्री के सामने और पी चिदंबरम के सामने सभी विषयों पर बारीकियों से डिस्कशन हुई एंड उनसे मैं इस बारे में जानना चाहता हूं कि वेदर दे वर अवेयर ऑफ ऑल द डिसीशंस बीइंग टेकन। यह हम लोग भारतीय जनता पार्टी बहुत पहले से ये कहती रही है कि दिस गवर्नमेंट इज अ गवर्नमेंट ऑफ कोएलिशन ऑफ करप्शन, इट इज नॉट अ केस ऑफ ओनली डीएमके बट इट इज अ केस ऑफ द कांग्रेस पार्टी डीपली इन्वॉल्व्ड इन करप्शन एंड इट इज विद द कंसेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द देन फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर पी चिदंबरम इज इन्वॉल्व्ड एट ऑल स्टेजेस। इन सारी बातों से यह बहुत स्पष्ट हो जाता है कि यह भ्रष्टाचार का गठबंधन है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी यह मांग करती है कि इसका क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन शुड स्टार्ट। सब फर्स्ट ऑफ ऑल मिस्टर पी चिदंबरम शुड बी सैक्ड, उन्हें बर्खास्त करना चाहिए एंड क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस अगेंस्ट मिस्टर पी चिदंबरम शुड बी इनिशिएटेड। साथ ही साथ दिस इज नाउ नॉट ए केस ऑफ पॉलिटिकल सेटलमेंट, ये कोई राजनीतिक समझौतावाद का विषय नहीं है, यह विषय सीधे सीधे क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का है और इसलिए पी चिदंबरम को बर्खास्त करते हुए उनके खिलाफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ होना चाहिए। साथ ही साथ इंक्वायरी अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ भी इंक्वायरी इस विषय पर होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी डिमांड करती है कि इस दृष्टि से यूपीए सरकार में जो भ्रष्टाचार है उसको अगर दूध का दूध और पानी का पानी करना है, सच्चाई सामने लानी है, तो दिस इज द प्रोसेस विच हैज टू बी एडॉप्टेड। एक बात और इसमें मैं जरूर कहना चाहूंगा कि नाउ इट इज दी बिकॉज वंस द प्राइम मिनिस्टर हैड सेड दैट ही विल होल्ड अ फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन एज फार एज 2G स्पेक्ट्रम इज कंसर्न, नाउ द टाइम हैज कम when questions and fingers are being raised against the prime minister himself and his senior colleague Mr. P. Chidambaram. Now whether he is going to hold a free and fair investigation or not, this is the question which the prime minister has to answer. We hope, hame umeed hai ki free and fair investigation iski ho aur the culprit should be brought to books. ये मुझे आज के इस जो ए राजा के काउंसिल के ने जो बात कही है उस पर भारतीय जनता पार्टी की टिप्पणी है। साथ ही साथ हम सबको मालूम है कि राजबालाजी का निधन हुआ और हम सबको यह भी पता है कि 4 जून की रात्रि और 5 जून की प्रातः बेरहमी से जो पुलिस का लाठी चार्ज हुआ था, उस पुलिस की लाठी चार्ज में उनके स्पाइनल कॉर्ड पर चोट लगी थी, वो उपचाराधीन थी। भारतीय जनता पार्टी ने उस समय भी ये बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था कि यह एक अमानवीय सरकार के तरफ से ये एक्शन है, यह अप्रजातांत्रिक है, इट इज अनडेमोक्रेटिक, इट इज इनह्यूमन एंड उनकी इनह्यूमैनिटी आज जिस तरीके का उन्होंने अटैक किया निर्दोष महिलाओं पर, बच्चों पर,
आज राजबाला जी जहां इस संसार में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करती है, दुख प्रकट करती है, साथ ही साथ दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए एंड केस शुड बी रजिस्टर्ड अगेंस्ट दिल्ली पुलिस एंड मिस्टर पी चिदंबरम द देन द होम मिनिस्टर शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी और इस तरह की घटना आगे न घटे, इसकी हम सब लोगों को एक सिविल सोसाइटी में चिंता करनी चाहिए। इसलिए सख्त एक्शन लेना यह सरकार की जिम्मेवारी है। पी चिदंबरम को खुद इसकी जिम्मेवारी लेनी चाहिए और जो लोग इस एक्शन में थे उनके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर होना चाहिए, केस रजिस्टर होना चाहिए। हमारी तरफ से इतना ही। I think today we should only concentrate on the issue of 2G spectrum. Sir, there are issues of police brutality, sir, in UP as well, and certainly there are a couple of issues which have just cropped up. So, what is the BJP stand on it, sir? Frankly speaking, we have told that there is anarchic situation in Uttar Pradesh, and right from Bhatta Parsol to other issues, how they have dealt with the democratic agitations, the public issues related to public issues, the agitations which were going on, and how the Mayawati government has dealt it. It is an anarchic situation, and that government should go, and in the coming elections it is going to go. देखिए, वह डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल इस दृष्टि से तो निश्चित रूप से हैं कि जो कुछ भी घटना 4 तारीख की रात को और 5 तारीख की रात को हुई है वह गृह मंत्री के कहने पर हुई है और गृह मंत्री डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड हैं। ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है लेकिन एक्शन होना चाहिए और उसमें पी चिदम्बरम भी बाहर नहीं होने चाहिए। एक्शन शुड बी टेकन। हम तो बर्खास्त की बात कर रहे हैं और वो अगर एफआईआर बनती है तो उनके खिलाफ भी एफआईआर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बड़ा क्लियर है कि जम्मू कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कंट्री, वो भारत का अभिन्न अंग है और भारत के अभिन्न अंग के दृष्टि से कोई भी प्रश्न उस बारे में नहीं खड़ा होना चाहिए। नहीं, ऐसा तो नहीं है। अभी वो शताब्दीया राह जा रहे हैं और यात्रा वहां से शुरू होने वाली है। एक आपने जो कहा उसमें ये जरूर है कि कांग्रेस पार्टी गुजरात में राजभवन से ही सरकार चलाना चाहती है और इसकी हम निंदा करते हैं, ये तो है। सीबीआई अपने तरफ से इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जो कुछ भी उचित है वो करे, लेकिन जो वो कर रही है उसमें ए राजा ही इन्वॉल्व नहीं है, उसमें पी चिदंबरम भी बराबर के भागीदारी है। इसलिए जो वो एक्शन ए राजा पर कर रहे हैं वो सारे इन्वेस्टिगेशंस चिदंबरम पर भी होने चाहिए।